नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज लाइव सेशन में। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। देखिए, इस समय यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के सबसे बड़े जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आए हैं और फिर से यहाँ पर राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ पर सबकी नजरों में आ गए हैं, जहाँ पर वो कुछ अपनी टिप्पणियों को लेकर के कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर के वो सुर्खियों में रहे हैं। वहीं राहुल गांधी सावरकर की टिप्पणी पर करने वाले के बाद से घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं एनसीपी यानी कि प्रमुख शरद पवार ने गांधी परिवार को सलाह दी है कि उन्हें अब उनसे विनायक दामोदर सावरकर की आलोचना नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर सावरकर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर जो है वो राहुल गांधी ने यहाँ पर सावरकर को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, जहाँ पर शरद पवार ने ये कहा कि विनायक दामोदर सावरकर को लेकर के उनको आलोचना नहीं करनी चाहिए। वहीं पर शरद पवार ने सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने द्वारा आयोजित रात्रि भोज में विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यह मामला उठाया। वहीं पवार ने राहुल गांधी को सावरकर की आलोचना नहीं करने की सलाह दी है। वहीं गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना ने बैठक का बहिष्कार किया था। पवार ने कथित तौर पर राहुल से कहा कि उन्हें सावरकर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, जो महाराष्ट्र में बहुत सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि यह राज्य में एवीएम गठबंधन के लिए अनुकूल नहीं होगा। वहीं पवार ने यह भी बताया कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं थे और गांधी के वंशज को याद दिलाया कि गठबंधन की असली लड़ाई बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मल्लिका अर्जुन खड़गे पवार से सहमत दिखे। वहीं सांसद संजय राउत के अगले कुछ ही दिनों में खड़गे से मिलने की संभावना है, क्योंकि पवार ने परेशानियों को दूर कर लिया है। वहीं सोमवार को एकनाथ शिंदे ने राहुल के बयान वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह गांधी है सावरकर नहीं का जवाब देते हुए उन्होंने सीएम शिंदे ने कहा कि राहुल सावरकर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, आपके पास ना तो जुनून है और ना ही बलिदान की भावना है। राहुल को एक दिन जेल में रहना चाहिए, जहां सावरकर 11 साल तक रहे थे। वहीं पर संजय राउत ने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर जो है वो काफी ज्यादा नाराजगी थी। उन्होंने काफी सारे बयान भी कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी थी उसको हम जाहिर कर चुके हैं, हम मीटिंग में नहीं गए थे, हमारी सभी नेताओं से बात हो गई है, फिलहाल हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे, आज की विपक्ष मीटिंग में हम जाएंगे। गौतम अडानी मामले पर भी संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हम लगातार जेपी से की मांग कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई सिर्फ हमारे लिए है। वहीं पर ये सारी चीजें बोलने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बौखला से गए हैं और एक के बाद एक जो है यहाँ पर कड़े प्रहार हो रहे हैं। वहीं पर देखिए, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से विपक्षी की एकता हुई है, जो इसराइल में हो रहा है वो देश में होगा। सबसे बड़े घोटाले पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जो लोकसभा से सवाल पूछता है उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं संजय राउत ने राहुल गांधी का साथ दिया है और यहाँ पर मोदी सरकार पर ही जो है वो हमला बढ़ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने इसराइल जैसे देश को लेकर के यहाँ पर अपने देश को लेकर के तुलना की है। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि उनका घर खाली करवाया जा रहा है, उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। वहीं बैठक में शामिल दो नेताओं ने वहीं पर जो है वो काफी सारे अपने विचार व्यक्त किए हैं। वहीं पर उन्होंने पवार ने सोमवार को खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था और स्पष्ट किया कि सावरकर को निशाना बनाने से एमबीए को मदद मिलेगी। बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। वहीं पर संजय राउत ने कहा, लगभग सभी विपक्षी नेताओं का विचार था कि सावरकर के मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है, हालांकि अब मुद्दे तो उठ चुके हैं। हालांकि संजय राउत ने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो साथ दिया है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राहुल गांधी का दिया है। अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से अब यहाँ पर राहुल की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, गाइस देखना बेहद दिलचस्प होगा।